मैं डॉक्टर शहबाज सईद है और मैं एसी एजुकेशन अकेडमी फैसलाबाद की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट, जो टॉपिक आपके लिए हमने डिसाइड किया है कि आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, उस टॉपिक का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यानी दो ऑब्जेक्ट एक ही डायमेंशन के अंदर एक ही सिमट पर मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो उनके टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज में तब्दीलियाँ वाकई होती हैं, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उन्हें टकराने के बाद जो उनकी वेलोसिटीज हैं और टकराने से पहले जो वेलोसिटीज हैं, तो हम पहले के लिहाज से बाद वाली वेलोसिटीज को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलास्टिक कोलिजन किसको कहते हैं। एक ऐसा कोलिजन जिसमें इंसान जो टकरा रहे होते हैं उनके टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी और इसी तरह टकराने से पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम कंजर्व रहता है, एक जैसा रहता है, ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। यानी डेफिनेशन लिखी हुई है, कोलिजन इन विच मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेंस द सेम, इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। तो आइए स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन के लिए या इलास्टिक कोलिजन में होने वाले जो दो इंसान आपस में टकराते हैं उनके टकराने वाले इंसान की वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन यानी v1 डैश और v2 डैश कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास दो इंसान है, पहले जिस्म का मास m1 है और दूसरे जिस्म का मास m2 है। पहले जिस्म का टकराने से पहले मोमेंटम v1 है और दूसरे जिस्म का टकराने से पहले मोमेंटम v2 है। अब मास m1 मास m2 से टकरा जाता है और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी v1 डैश हो जाती है और इसी तरह से टकराने के बाद दूसरे जिस्म की वेलोसिटी में भी तब्दीली वाकई होती है और वो v2 डैश हो जाती है। तो आइए स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से हम ये वैल्यूज ड्राइव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 v1 + m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 - m2 v2 - और यहां से हम m1 v1 और ये m1 v1 - वाली वैल्यू जो है ये v1 - वाली वैल्यू इस साइड पे लेके आएंगे तो m1 v1 - इज इक्वल टू m2 v2 - और ये m2 v2 वाली वैल्यू तो जाके माइनस हो जाएगी तो m2 v2 बन जाएगा। अब इसमें से हम m1 कॉमन करें तो m1 = v1 * v1 - v1 - और यहां से m2 कॉमन करें तो v2 - - v2 ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अब गोइंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के कर्म को अगर हम सामने रखें तो 1 / 2 m1 स्क्वायर 1 / 2 m1 v1 स्क्वायर + 1 / 2 m2 v2 स्क्वायर = 1 / 2 m1 v1 - स्क्वायर + 1 / 2 m2 v2 - स्क्वायर। तो इसमें से हम अगेन जिस तरह हम यहाँ पे v1 डैश वाली वैल्यू को इधर लाए थे और v2 वाली वैल्यू को इधर लेके गए थे, यहाँ से हम v1 डैश वाली वैल्यू को उठा के इस साइड पे लेके आएंगे और v2 डैश v2 स्क्वायर वाली वैल्यू को साइड पे लेके जाएंगे। तो इस तरह ये हो जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर - 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर और ये आ जाएगा 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर - 1/2 m2 v2 स्क्वायर उस साइड पे चला जाएगा। अब यहां से हम इस वाली वैल्यू में से अगर देखें तो इसमें से हम 1/2 कॉमन कर सकते हैं और यहां से 1/2 कॉमन कर सकते हैं 1/2 m1 v1 स्क्वायर और यहां से जो है m 1/2 m1 कॉमन कर सकते हैं 1/2 m1 कॉमन कर सकते हैं 1/2 स्केल नहीं कॉमन करते 1/2 m1 कॉमन कर सकते हैं और यहां से जो है वो 1/2 m2 कॉमन कर सकते हैं। तो 1/2 m1 जब हमने कॉमन किया तो v1 स्क्वायर - v1 - स्क्वायर आ गया और यहां पे 1/2 m2 जब हमने कॉमन किया है तो ये हमारे पास जो है ये v2 - - v2 आ गया है v2 - v2 स्क्वायर आ गया। अब यहां से 1/2 कट जाएगा तो m1 v1 स्क्वायर - v1 - स्क्वायर = m2 v2 - स्क्वायर - v2 स्क्वायर बच जाएगा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, पहले के अंदर फार्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा के अंदर के a स्क्वायर - b स्क्वायर = a + b * a - b, तो इसी लिहाज से ये a स्क्वायर समझें इसको - b स्क्वायर समझें तो ये a + b यानी एक बार ये वैल्यू स्क्वायर से प्लस होगी और एक बार माइनस होगी। इसी को सामने रखते हैं हम ये देखते हैं m1 v1 + v1 - v1 - v1 - m2 v2 - v2 और v2 - v2 एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया डिवाइड इक्वेशन 2/1। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से तकसीम करें, इसको ऊपर रखें इससे डिवाइड कर दें तो m1 v1 + v1 - v1 - v1 डिवाइडेड बाय m1 v1 - v1 तो ये v1 - v1 और v1 - v1 कट गया, m1 और m1 भी डिवाइड हो गया, यहां से m2 डिवाइड हो जाएगा v2 - v2 और ये v2 - v2 डिवाइड हो जाएगा तो ये भी कट गया और ये भी कट गया तो ये बच गया और ये प्लस वाली वैल्यू बची तो v1 + v1 = v2 + v2 क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें से हम v2 की वैल्यू को निकालेंगे उसे प्लेस करेंगे तो v1 की वैल्यू आएगी
और उसको दोबारा से रीरेंज करेंगे तो वी टू डैश की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये देखते हैं कि किस तरीके से वैल्यूज जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है टू फाइंड वी1 डैश। वी1 प्लस वी1 डैश इज इक्वल टू वी2 डैश प्लस वी2। अब यहां से जो है वो वी2 डैश निकाले तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी, यानी वी1 प्लस वी1 डैश और ये वी2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 डैश, ये जो v2 डैश की वैल्यू निकाली है इसको हम पुट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहली क्वेश्चन नंबर 1 में ये वैल्यू मैंने निकाली थी, ये जो पीछे निकाली थी, तो m1 v1 - v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश - v2। अब यहां से आपने इस v2 डैश की जो वैल्यू है वो वहां से उठाइए इसको यहां पर डाल दें, तो m1 v1 - v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश की जगह ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू उठ के इस v2 डैश की जगह पे आ गई लिखें, क्योंकि ये v1 plus v1 dash minus v2 ये वैल्यू यहां पे आ गई इसकी जगह और minus v2 ऐसे ही आ गया। अब अगर जो m1 है और m2 इनको ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 v1 से मल्टीप्लाई करेगी, m1 v1 dash से minus मल्टीप्लाई होगा तो minus m1 v1 क्योंकि ये minus का साइन था, m2 v1 से मल्टीप्लाई करेगी तो m2 v1 और m2 v1 dash से मल्टीप्लाई होगा तो m2 v1 dash और m2 minus v2 से मल्टीप्लाई होगा तो minus m2 v2 और m2 minus v2 से अगेन मल्टीप्लाई होगा तो minus m2 v2। अब हम ये करेंगे कि इनमें से जो ये v1 dash वाली वैल्यू है हमारे पास, ये v1 dash वाली वैल्यू m1 dash वाली वैल्यू है, दूसरी साइड में वापस ये v1 dash की वैल्यू है m2 v1 dash, ये वैल्यू है हमारे पास m2 v1 dash, m2 v1 और m2v1 dash, ये हमारे पास वैल्यू है, ये m2v1 और ये m2v1 dash minus m2 जो था ये और plus m3, ये हमने किस तरीके से अरेंज किया है ये वैल्यू, इक्वेशन कैसे निकली है बुनियादी तौर पे, ये जो minus m1v1 वाली वैल्यू ये उधर जाके प्लस की हो जाएगी, ठीक है जी, ये वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएगी, दोनों एक साइड पर रह जाएंगी, बाकी ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो हमारे पास बनेगा m1 plus v1 डैश, ये वैल्यू जो हमने यहां से माइनस की तो जाकर प्लस की थी वो वैल्यू हो गई प्लस m2v1 डैश वो यहां पे। इसके बाद ये वैल्यू हमारे पास एक बची है ये वाली और ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू यहां पे आएगी m1v1, ठीक था बिल्कुल m1v1, और उसके बाद ये m2v1 इधर आके माइनस हो जाएगा m2v1, ये भी ठीक है, और माइनस m2v2 प्लस हो जाएगा और ये माइनस की तरफ प्लस हो जाएगा। अब इसमें से हम ये करेंगे कि इसमें से v1 डैश कॉमन हो जाएगी, इन दोनों में से v1 कॉमन हो जाएगा और इनमें से v2 कॉमन हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 v1 डैश और यहाँ m1 माइनस m2 v1, m1 माइनस m2 v1 और यहाँ जो है वो m2 v2 और m2 v2, ये आपस में मिलेंगे तो 2m2 v2 हमारे पास आ जाएगा। अब इस सारी क्वेश्चन के अंदर जो हमने याद तक निकाली है v1 डैश के साथ m1 plus m2 मल्टीप्लाई हुआ, जबकि हमें सिर्फ ये चाहिए तो इसको सेट किया के डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा v1 डैश m1 minus m2 v1, ये प्लस 2m2 v2, इसके नीचे ये जो m1 plus m2 इधर था वो इस साइड के नीचे चला गया। अब ये जो वैल्यू हमारे पास ये नीचे है ये दोनों के साथ डिवाइड की जा सकती है प्लस दोनों तरफ इधर भी इधर भी, तो v1 डैश इक्वल टू m1 minus m2 divided by m1 plus m2 और ये जो v1 था उसको सेट भी लिख दिया कि हमने मैसेज को लेदर कर दिया नास्ती को लेदर कर दिया और 2m2 divided by m1 plus m2 और v2 को हमने सेट पे कर दिया। To find v2 dash को सॉल्व करने के लिए यही जो v1 dash की वैल्यू है इसे इधर प्लेस कर दें क्वेश्चन नंबर 4 में, v2 की डैश की वैल्यू v2 dash की वैल्यू निकाल, तो वही v2 dash इक्वल टू v1 plus v1 dash minus v2, तो v1 plus v1 डैश की वैल्यू हमने यहां से उठानी है, ये साइड साइड यहां पे आ जाएगी m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into v1 plus 2m2 m1 plus m2 into v2 minus ये वाला v2। अब इसमें से सारे वाले हिस्से में से v1 कॉमन आ जाएगा और इस सारे वाले हिस्से में से v2 कॉमन आ जाएगा, जब v1 कॉमन लेंगे तो इस v1 की जगह पे आ जाएगा 1 और यहां से v1 बाहर चला जाएगा तो ये रकम रह जाएगी, तो 1 plus m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into v1 और यहां से v2 हमने कॉमन कर लिया है तो 2m2 divided by m1 plus m2 इस v2 की जगह पे आ जाएगा minus 1 और divided by v2। अब ये जो हमारे पास वैल्यू इसके हम LCM लेंगे ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगी, अगेन ये इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर चली जाएगी तो ये आ जाएगा m1, ये जब ऊपर जाएगी इस a की जगह पे तो m1 plus m2 plus ये रकम प्लस
कि वह ब्रैकेट में तो ब्रैकेट ऐसे खुल जाएगी m1+m2/m1+m2 और ये जब ऊपर जाएगी तो आ जाएगा 2m2 माइनस अब ये माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे डिवाइडेड बाय m1+m2/2 अब इसकी ब्रैकेट खुलेगी और इस पे कट जाएगा तो m2 - m2 से कट गया तो ये आ गया m1+m1 2m1/m1+m2 v1 प्लस ये 2m2 जो है ये वाला इसमें से एक m2 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा m2 - m1 नीचे आ जाएगा m1+m2 v2 तो v2 = 2m1 ये डिवाइडेड बाय m1+m2 v1 ये सब प्लस m2 - m1 ये डिवाइडेड बाय m1+m2 v2 तो स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से v1 की वैल्यू को निकाल ली v2 की वैल्यू को निकाल ली तो इस तरीके से हम इलास्टिकली वन डायमेंशन का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं स्क्रीन इस प्रश्न को सॉल्व करते हुए ये इन फॉर्मूले को निकालने के लिए दो कवलियों का हमने सहारा लिया एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ मास m1 आफ्टर कोलिजन यानी v1 और वेलोसिटी ऑफ द मास m2 आफ्टर कोलिजन यानी v2 ये फाइंड आउट किए और इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो इलास्टिक कोलिजन के प्रोसेस से गुजर रहे हो या टकराते वक्त में इलास्टिक कोलिजन पाया जाए तो उसके लिए हम उनकी वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट कर सकते हैं सो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो तो आप इसको लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारा और आपका मुस्तकम बुनियादों पर आपका कायम रह सके शुक्रिया अल्लाह हाफिज़